हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी की शॉप। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल्स को देख सकते हैं और किसी तरह हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाता हूँ एंड देन हम अपने प्रोडक्ट के कंट्रोलर पर वर्क कर रहे थे। सो यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहले हम काम करेंगे डिटेल्स के लिए। सो डिटेल्स हमारे पास, डिटेल्स के जो एक्शन मेथड होगा वो HTTP गेट टाइप होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वैल्यूज को गेट करके देखेंगे और MVC एक्शन को प्रोडक्ट डिटेल और इसके अंदर ये पैरामीटर लेगा ID, यानी ये किसी भी स्पेसिफिक आईडी की बेसिस पे ये प्रोडक्ट की डिटेल्स को शो करेगा। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, PRO इक्वल टू, वो ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, डेटाबेस से प्रोडक्ट के टेबल में जाएगा .where में वो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू सर्च करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी equal to id dot single default। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब अगेन मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटीजर आईडी जो वो लेकर आ रहा होगा डेटाबेस में जाएगा, प्रोडक्ट के टेबल में जाएगा और वहां पर ये जो आईडी हमारे पास आ रही है इसे कंपेयर करेगा टेबल्स में मौजूद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आईडी से, जिसके साथ वो मैच करेगी उसकी सिंगल और डिफॉल्ट जो है ऑब्जेक्ट को वहां से उठाकर इसके अंदर दे देगी। फिर हम इसे पास कर देते अपने व्यू में। ठीक है, यहाँ से हम एड व्यू करते हैं। एड व्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल्स टाइप का टेम्पलेट, यहाँ पर हम प्रोडक्ट बट सारी चीजें सेम है ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अगेन डिस्प्ले नेम फॉर के बजाय हम नेम कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डायनेमिकली अपने तौर पर कुछ भी लेबल दिखा सकें। प्रोडक्ट नेम के ओके। अब हमें करना क्या है, हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट डिटेल पर को देखने के बाद वो यहाँ से कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल को हम रहने देते हैं, हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे देते हैं और उसको चले हम इसे कैंसिल का ही ऑप्शन दे देते हैं। एक एडिट का होगा और एक कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल होगा, कैंसिल करने पर हमारे पास कहाँ चला जाए, ये चला जाए हमारे पास अगेन जो हमने देखा डिस्प्ले प्रोडक्ट पे। ठीक है, डिस्प्ले प्रोडक्ट पे चला जाए। और कौन सा कंट्रोलर है जनाब, हमारे पास कंट्रोलर है प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लास लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास जो कि बटन क्रिएट करेगी हमारे पास। तो वो है BTN, क्योंकि कैंसिल है तो हम इसे डेंजर दे देते हैं, डेंजर। ओके, और यहाँ पर अगेन बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते हैं हम एडिट पर भी। ओके, एडिट जो है वो उसका टेक्स्ट एडिट होगा। ठीक है, और यहाँ से वो किस मेथड पे जाना चाहिए, जब वो एडिट पे क्लिक हो अपडेट प्रोडक्ट पे। ओके, हम अपडेट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं और प्रोडक्ट के कंट्रोलर का नाम भी देना है, तो वो है प्रोडक्ट। ओके,
यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास क्लास इक्वल टू ओके एडिट पर हम कौन सा बटन बनाना चाहते हैं प्राइमरी वाला ओके बीटीएन बीटीएन प्राइमरी ठीक यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल को इस तरह कर लेते हैं और साथ साथ हम डिलीट वाले मेथड को भी बना देते हैं फिर हम एक साथ इसे रन करके देखते हैं ठीक है। डिलीट के लिए अब हमारे पास हमें पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को अगेन देखना होगा जिसमें हम एचटीटीपी गेट और एचटीटीपी पोस्ट पे काम करेंगे। एचटीटीपी गेट हमारे पास करेगा क्या वो हमें डिलीट वाले यूआई पे लेके जाएगा डिलीट प्रोडक्ट ठीक है यानी जब हमारे पास डिस्प्ले से यानी इस जगह से जब डिटेल को मैं बटन को क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो एक आईडी लेकर जाएगा डिलीट वाले यूआई पे। तो जब डिटेल डिलीट का यहाँ ये वाला बटन कॉल होगा तो हमारे पास एचटीटीपी गेट का मेथड कॉल होगा जो कि इंटीजर आईडी लेगा और यहाँ पर अगेन हम सिंपल ये काम करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी सेम इसने यही काम करना है कि यहाँ पर उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से पिक करके लाना है और इसे व्यू पे शो करा देना ओके। अब एचटीटीपी पोस्ट पे हम क्या काम करेंगे कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी इसे हम एचटीटीपी पोस्ट कर देते हैं ओके और डिलीट जब हमारे पास हो रहा होगा तो हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा जबकि कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा जबकि डीबी डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट के टेबल में जाए सॉरी प्रोडक्ट टाइप का पैरामीटर यानी ऑब्जेक्ट लेगा ये और ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट डॉट रिमूव रिमूव के मेथड को कॉल करेंगे और रिमूव कितने करने हैं हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ठीक है ओके ओके आई थिंक I have to add this also. Okay, सबसे पहले वो सर्च करके लाए सर्च करके लाने के बाद उसको अब इसको देखते हैं ओके अब इसमें तो पैरामीटर ले लेते हैं इंटीजर आईडी को भी ले लेते हैं और प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को भी ठीक है। सो अच्छा हम इसी में क्यूरी को बाइंड कर देते हैं ठीक है हम कहते हैं डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट हियर ओके लैम्डा एक्सप्रेशन को दोबारा यूज करते हैं हम आई टी प्रोडक्ट आई डी इक्वल इक्वल टू आई टी डॉट सिंगल और डिफॉल्ट ठीक है यानी होना ये चाहिए कि डेटाबेस प्रोडक्ट के टेबल में जाके रिमूव करो किसको जो हमारी आई डी आ रही है इस आई डी के बिहाफ पे जो भी रिकॉर्ड मिलता है वैल्यू को डिलीट करो और सेव चेंजेस करो और डिस्प्ले प्रोडक्ट को दोबारा से कॉल कर दो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसका व्यू जनरेट कर लेते हैं व्यू जनरेट करने के लिए सिंपल हम डिस्प्ले गए हमने डिलीट टाइप कॉल किया यहाँ पर हमें कौन सी क्लास का यूज करना है मॉडल क्लास प्रोडक्ट की ऐड करी ऐड करने के बाद ओके
डिस्प्ले नेम फॉर के बजाय हम इसे नेम कर देते हैं, और वही सारी चीजें हैं जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम ए, और यहां से हम कर देते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी, ओके सेम चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब ये डिलीट हो तो डिफॉल्ट का मतलब वाइट बटन ना आए, जबकि डेंजर आए यानी रेड कलर का बटन आए। बैक टू लिस्ट पे जाने के लिए हम डिलीट करेंगे या तो फिर हम इसे कैंसिल करेंगे, तो हम इसे सेक्शन नेम को हम कैंसिल बना देते हैं। कैंसिल कैंसिल करने पर कहाँ जाए जनाब, कैंसिल करने पर ये दोबारा इसी जगह पर इसी मेथड पे जो हमारा मेथड है वेयर इज आवर डिस्प्ले मेथड, ये डिस्प्ले मेथड पे आ जाए हमारे पास, ठीक ओके। डिस्प्ले मेथड पे आ गया, हमारा कंट्रोलर है प्रोडक्ट के नाम से, ठीक। और उसके बाद हमारी बूट स्ट्रैप की क्लास लगेगी जो कि होगी एट द रेट क्लास इक्वल टू बी टी एन ओके। कैंसिल करने पर अब हमारे पास जो बटन बनेगा वो बनेगा प्राइमरी ले लेते हैं, लेट्स सी ओके प्राइमरी लिया। वन मोर थिंग, हम डिस्प्ले वाले में जाने के बाद हमारी जो डिस्प्ले की जो टेबल है, टेबल में जो हमारा टेबल हेड जो है उसमें हम क्लास अप्लाई करा देते हैं, टेबल रॉ की क्लास अप्लाई करा देते हैं, क्लास का नाम सक्सेस ओके, हम इसे सक्सेस भी दे सकते हैं, क्लासेस हम कोई भी दे सकते हैं। अच्छा अब हम इसे रन करके देख लेते हैं, ओके ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, प्रोडक्ट का मॉड्यूल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जब तक ये रन, ये देखिए ये रन हो गया है हमारे पास। हम डिटेल में चलते हैं तो डिटेल आ गया, एडिट यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये वापस आ गया, और अगर हम एडिट पे यहाँ से एडिट कर लेते हैं इसके 500 तो यहाँ से अपडेट हो गया 500, यानी हम डिटेल से भी इसे अपडेट कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट पे इज आस्किंग आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है। अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी रॉ, ओके इट इज थ्रोन एन एरर, ओके ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस एरर को देख, सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो रही है सक्सेसफुली। हम यहाँ पर इसको डिलीट करके देख लेते हैं, डिलीट पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास अब तमाम प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं। हम नई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से डेल लैपटॉप क्वांटिटी 300, क्रिएट अनदर आईफोन एक्स 300, क्रिएट अनदर आईफोन 7 200, क्रिएट ओके। सो क्रिएट एडिट डिटेल एंड डिलीट, हमारे तमाम एक्शन कोड ऑपरेशन फॉर प्रोडक्ट मॉड्यूल has been completed। अब हम अपने दूसरे मॉड्यूल यानी परचेज मॉड्यूल पे काम करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, कीप लाइक एंड कीप शेयर, थैंक यू।